नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है बिहार विधानसभा चुनाव की 10 बड़ी खबरों का। केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, जहां इस खबर से राजनीति के गलियारों में गम का माहौल है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई दल के नेता ने आज रामविलास पासवान के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बता दें कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले रामविलास पासवान दलितों और वंचितों की एक बुलंद आवाज थे। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद शिवसेना ने भी ताल ठोक दी है, जहां पार्टी ने करीब 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी की है। इसके साथ ही चुनाव प्रचारकों की सूची भी शिवसेना द्वारा जारी कर दी गई है, जहां इस सूची में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं। आरजेडी के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ज्वाइन कर ली है। गुरुवार को जेडीयू पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसके बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की मौजूदगी में सत्यप्रकाश को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस स्टेशन जा रहे एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर देने की खबर सामने आई है, जहां पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस मामले को लेकर एएसपी सैयद इमरान मसूद का कहना है कि पुलिस अपराधियों को जल्द ही पकड़ लेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण के चुनाव के लिए कल से प्रचार अभियान चरम पर होगा। राजनीतिक दलों ने चुनावी रंग जमाने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना के लिए रवाना होंगे और वे रविवार को गया में जाकर वहां के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी से अपनी राह अलग कर ली है, जहां उसने महागठबंधन से अलग होकर 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि पार्टी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। गौरतलब है कि जेएमएम झारखंड में आरजेडी के साथ सरकार में है। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के चलते चल रहे चुनाव और भविष्य के चुनावों के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महामारी को देखते हुए आयोग ने जहां प्रचार से संबंधित मानदंडों को संशोधित किया है, वहीं अब आयोग ने उम्मीदवारों के नामांकन और व्यक्तिगत जानकारी के फॉर्म 26 को ऑनलाइन भरने की सुविधा प्रदान की है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को और अर्धसैनिक बल मिलने वाले हैं। अर्धसैनिक बलों की 300 अतिरिक्त कंपनियां बिहार पहुंच सकती हैं। इन्हें भी चुनाव पूर्व अभियान के लिए विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि जल्द ही इनके बिहार पहुंचने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आज राजद के लिए अहम दिन है, क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई है। चारा घोटाला के कई मामलों में रांची स्थित रिम्स के निदेशक के बंगले में सजा काट रहे लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 94 विधानसभा क्षेत्रों में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण के विधानसभा क्षेत्रों में 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें कि नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को की जाएगी। इस चरण के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। तो ये थी बिहार विधानसभा चुनाव की 10 सुपर फास्ट खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की तमाम खबरों से और आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की पल पल की खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। नमस्कार।